फूल फाल तो कमल खत्म सब सूखे पड़े हैं कमल ब्रह्म कमल उन्नीस सौ 1995 के बाद यहीं से जा रहा है हमारा छिपला इसी जगह से पथरीला मैदान से खंबा पकड़ धचकड़ा खंबा पकड़ धचड़ा है ना ये खंबा पकड़ जगह का नाम धचड़ा राजा राजा का यहाँ आगे धस चढ़ाते हैं इसलिए खंबा पकड़ धस चढ़ान बोलते हैं ये है बर्फ ये देखो अभी के टाइम पे बर्फ मिल रही है ये गिरा बर्फ तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं छिपलकोट छिपल द्वार के नाम से जाना जाता है जिसे बहुत चट्टान भरा रास्ता पार करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे अभी थोड़ा सा बच्चा है यहाँ छिपलकोट है अभी मैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन दूंगा ये पीछे से आ रहा है मेरा पंकु थक चुका बेचारा और वहाँ देखिए पंचाचोली की चोटी अभी मैं दिखाऊँगा क्लियरली दिखाया जाएगा आपको गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने छिपला के पीछे पीछे पे यहाँ से अभी है 5-6 घंटे का रास्ता और ये देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ से यहाँ पर पर्वत शुरू होते हैं जब आप मैप में देखते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं हिमालयन रेंज वो यही है यहाँ से जाती है आगे पूरा थ्रू नेपाल होते हुए जाती है और यही लास्ट है लास्ट पार्ट चोटी दिख रही होगी आपको ये हाँ जी यही ये है आपका हिमालयन रेंज जहाँ से शुरू होती है इसके बाद कोई चोटी नहीं दिखेगी आपको देख सकते हो दिखाता हूँ मैं आपको कोई चोटी नहीं है सब फ्लैट मतलब चोटी है लेकिन छोटी है और यहाँ से है असली चोटी यहाँ से शुरू है देखो वैसे ऐसा पॉइंट है जहाँ से चोटियाँ शुरू होती है बर्फ़ के मैदान ये बर्फ़ के मैदान शुरू होते हैं और यहाँ जाते हुए इसके जस्ट पीछे है पंचाचोली और यहाँ जाते हैं फिर ये पूरी बर्फ़ की रेंज ये पूरी रेंज और इसके आगे जाते रहती है और जहाँ पर ये ख़त्म होगा उस जगह पे भी आपको ऐसा ही दिखेगा ऐसा पार्ट जब आप मैप चेक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा लेकिन मैप में ऐसा नहीं दिखेगा ऐसा यहाँ से शुरू होता है यहाँ से ऐसे पहाड़ शुरू होते हैं ऐसे और यहाँ से जाते हैं तो मैप और ज़मीनी हकीकत में बहुत ज़्यादा अंतर है मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ हिमालयन रेंज है शुरू होती है इसके आगे देखो आप एक भी पहाड़ नहीं दिखा ख़त्म पहाड़ चोटियाँ ख़त्म है यहाँ से जस्ट शुरू है ये पूरा हमारा पुख्याल क्षेत्र हमारे हिमालय का जस्ट बगल में हिमालय शुरू होती है ये हमारा छिपला आ रहा है हम लोग ऊपर से लोग नीचे से जा रहे हैं वापस आगे मिलेंगे सुंदरी पे वहाँ है सुंदरी एक बात और लोन धर्म सिंह अच्छा चुज भाई हम पुराने टाइम पुराना तो ना भाई हम ना के पुराना तुमने ना भाई तो पैसा तो मैं दे आएगा चौहत्तर 75 76 77 सिपला तो हम आए हाँ तत्तर में आयु अच्छा गोर रंजीत सिंह काका उन थे झड़ा जान थे अरे तय पिंक तय पिंक में प्रवेश करना भगत ये उचु घोप्टे बीस हुए घोप्टे जुआन जान आदिमी फाड़न थे तय जुआन जान आदिमी जो फाड़न फाड़न थे बर बर्मा कुंड उड़ा बस सारा लोग बर्मकुंड उड़ा बस उड़ा अच्छा
अब म घरि नि डाइर न भगवान जाने म बाबाका गोदमा सिरो थियो मेरो उमर अब कचो कचो यो भएर बाबाले त प्रमुख कुण्डकै अघिल्ला होला जम्मा हामी टन्ट लगाएर उपरले अघिल्ला होला खण्डमा हामी पुग्छ थिएँ सदा लोक बैठाएँ थिएँ असल त सम्झिनै सुन्नुहोस् असल त सब सिनाई सोचन्छ भाइ त बर्मलाई चढान बढान गरेले सब गए सब गए उमाए उडारमाए उडारमा गए त्यो जवान जवान मुनो लगाडा पताले खान्छन् त चता पानी भने अलको पानी भने घी धिनाले अन्दर भयो जानु दियो त्यो बाटो हातो बालेर उज्यालो केही नथ्यो बत्ती बत्ती चलाए अब त्यो बोसे धानु लाइन बोसी लाइनले त भयो धानु बिजेपुटीले म बाबाका गोदमै सिरो थियो बाबा गीत गोदमै सिरो थियो अब आशा यो नभए देवता यो नभए बाबामा बाबामा देवता आएछ नि अघिल्लो बजे अब जब मेरो आँखा खुले नि मेरो आँखा खुले त बाबा त पर्ला देवता पुगाड्न अरे गोदमा अब कहाँ खिते उनले पत्ता मेरो निदा आयो नभए भगवान् होइन तिमी नै ल्याएको त तिम्रो उबार बचपनै थियो ठिक छ नि एक लागेको त भयो ल अब गोदमा अब खिचन म त मालुम न सिर्फ मोहन बाबा पर्ला जाए देवता गर्नु थियो म अरे यार मोहन बाबा गोदमा थियो यो थाहा कहाँ छौँ त बाह्र पाला पालाले देवता आने भने रात त जागरमै बिताउँथे अब उही पकाउँदै थियो हाम्रो बास मनमा जाउँ घरको घिउँ घरको घरको रासन हातु काँडो चिनो अच्छा पाहाडमै रहन्छ प्लेनमै पल्नु छ त मुस्किल अलिक चढ्छ होला नि अरे यो पाहाड त अब हाम्रोमै अन्तर होला उसालो म त उब्लाइदिन लिएको छु भाइ म नल धोपे थियो नल धोपे थियो परमुपट्टि वापस गयो हामी पत्थर पार गर्ने 11 बज चुका है सुंदारी पे है हम लोग सुंदारी नहीं है ये है क्या बोले घांगल घांगल कोट पत्थर देख रहे हो पौरिया तो नहीं है इतने पत्थर यहाँ ऐसे पत्थर पौरिया नहीं है ऊपर से आए हुए पत्थर नहीं है ये पहले से ऐसी है अब लग रहा है समुद्र का इलाका इतने पत्थर बंदा कहाँ से आएंगे देखना कहाँ ऊपर से आने वाले पत्थर है ही कहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आएंगे जगह है कहीं टूटा फूटा लग रहा है अरे ऊपर से पूरा बराबर ही समतल है फिर भी पत्थर देखना कहाँ से आएंगे इतने ये समुद्र का तल था पहले ये समुद्र लेवल बहुत ऊंचा था उस समय बोलते तो ऐसे ही है पता नहीं देखना पत्थर देखे यार हाँ वो कील जैसे चुभने वाले